हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गैजेट्स मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक बड़ा होम अप्लायंसेस परचेस करने का प्लान बना रहे हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन वगैरह, तो आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता होगा कि ऐसे बड़े होम अप्लायंसेस को हमें ऑनलाइन परचेस करना चाहिए या ऑफलाइन परचेस करना चाहिए, कहाँ से हमें ज़्यादा बेटर डील मिलेगी, कहाँ से अच्छा प्राइस मिलेगा, सर्विस कहाँ पर बेटर मिलेगी, और आखिर इस तरीके के बड़े होम अप्लायंसेस कैसे हमारे घर पर डिलीवर किए जाते हैं, और अगर इन बड़े होम अप्लायंसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मामलों में आपको किस तरीके सर्विस देखने को मिलती है। ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में होंगे, तो इस वीडियो में आज मैं इन सभी सवालों के जवाब आपको देने वाला हूं, बताने वाला हूं कि ऐसे होम अप्लायंसेस को आपको ऑनलाइन परचेस करना चाहिए या ऑफलाइन परचेस करना चाहिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन के क्या फायदे और नुकसान हैं, उन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते तो आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ऐसा होम अप्लायंसेस ऑनलाइन परचेस करना चाहिए या ऑफलाइन परचेस करना चाहिए। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां पर मैं आपको टाइम टाइम पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देता रहता हूं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं यहां पर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से किसी भी मार्केट के खिलाफ नहीं हूं। मैं आपकी ही तरह एक नॉर्मल कंज्यूमर हूं, और दोस्तों पिछले कुछ टाइम में मैंने ऑनलाइन भी काफी सारे प्रोडक्ट परचेस किए हैं और ऑफलाइन भी काफी सारे परचेस किए हैं, तो दोनों ही टाइप का एक्सपीरियंस मेरे पास है। यहां पर मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर केवल आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। तो सबसे पहले पॉइंट की हम बात करें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो सबसे मेजर पॉइंट होता है वो होता है प्राइस का, कि आपको प्राइस कहां पर बेटर देखने को मिलेगा। तो कुछ कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में प्राइस का डिफरेंस देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप किसी फेस्टिव सीजन के दौरान परचेस कर रहे हैं, जैसे कि दिवाली या नवरात्रि के दौरान कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, तो आपको बड़े होम अप्लायंसेस का प्राइस ऑनलाइन मार्केट में ज्यादा अच्छा मिलेगा। वहां पर आपको ज्यादा अच्छे ऑफर्स देखने को मिलेंगे, नो कॉस्ट ईएमआई के ज्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बैंक ऑफर, प्रीपेड ऑफर वगैरह ये अच्छे देखने को मिलते हैं। और इसी के कंपैरिजन में हम बात करें ऑफलाइन मार्केट में, तो फेस्टिव सीजन के अंदर ऑफलाइन मार्केट में भी काफी अच्छा डिस्काउंट होता है, लेकिन वो डिस्काउंट ऑनलाइन मार्केट के मुकाबले थोड़ा कम होता है। और इसका दोस्तों एक रीजन है कि ऑफलाइन मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आपको मिलते हैं वो एक चेन के थ्रू आप तक पहुंचते हैं। इसमें काफी सारे मीडिएटर जुड़े होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ट्रांसपोर्ट कंपनी, मार्केटिंग टीम, और इसके अलावा जो शोरूम का रेंट है वो सारी कॉस्ट इसी प्रोडक्ट के अंदर ऐड होकर के और आपसे ही वसूल की जाती है। और ऐसे में दोस्तों जब इतने सारे एक्सपेंसेस एक प्रोडक्ट के अंदर ऐड होते हैं तो उसका प्राइस ऑफलाइन मार्केट में काफी बढ़ जाता है, और क्योंकि दोस्तों इतने सारे मीडिएटर होते हैं इसलिए ऑफलाइन मार्केट में आपको ज्यादा डिस्काउंट वो लोग नहीं दे पाते हैं। इसी के कंपैरिजन में हम बात करें ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में दोस्तों या तो ज्यादातर ब्रांड ही डायरेक्ट अमेजन या फ्लिपकार्ट से संपर्क करेंगे और डायरेक्ट अपना माल बेचेंगे, या उनका एक सेलर होता है जो कि ऑल इंडिया या कुछ स्पेसिफिक एरिया में उनके प्रोडक्ट को सेल करता है। तो यहां पर दोस्तों केवल दो ही मीडिएटर होते हैं, इस वजह से यहां पर जो कमीशन है वो कम होता है, ओवरऑल प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाती है, और इस वजह से ऑनलाइन डिस्काउंट आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलता है। अब दोस्तों अगर आपके पास में अच्छा खासा पैसा है, आप अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑफलाइन मार्केट से परचेस कीजिए। लेकिन दोस्तों इंडिया में आज भी एक बड़ी कम्युनिटी ऐसी है जिनके लिए ये छोटे छोटे प्रोडक्ट परचेस करना काफी मुश्किल काम होता है, काफी मुश्किल से पैसा जोड़ करके वो इस तरीके के प्रोडक्ट अपने घर में लाते हैं। उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म ठीक रहेगा जहां पर उनको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिल सके, और फेस्टिव सीजन के दौरान अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हैं तो ऑनलाइन आपको इन चीजों पर अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं एवरेज एक 15,000 रुपए तक के रेफ्रिजरेटर की, तो ऐसे रेफ्रिजरेटर पर आपको 3,000 से 3,500 रुपए तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। और नॉर्मली दोस्तों इस तरीके की डील मैं आपको बताता भी रहता हूं, तो एज यू विश, आपको जहां से ज्यादा अच्छा प्राइस मिले आप वहां से परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात करें कि इन प्रोडक्ट की सर्विस अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हैं तो आपको सर्विस कैसे मिलेगी। तो सर्विस का मामला ऐसा है दोस्तों कि आजकल जो भी ब्रांड मार्केट में है वो अपनी रेपुटेशन बना करके रखना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं, तो वो प्रोडक्ट ऑनलाइन भी बेचते हैं, ऑफलाइन भी बेचते हैं, और दोनों ही मामलों में आपको सर्विस काफी अच्छी देखने को मिलती है। रिसेंटली दोस्तों पिछले साल मैंने फ्लिपकार्ट से एक रेफ्रिजरेटर परचेस किया था, अमेजोन से एक टीवी परचेस किया था, और अभी रिसेंटली मैंने फ्लिपकार्ट से एक 50,000 रुपए का लैपटॉप परचेस किया है। और यहां पर रेफ्रिजरेटर और लैपटॉप के अंदर तो मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन जब मैंने टीवी परचेस किया था तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर इशू आ गया था। जब इंस्टॉलेशन वाला बंदा आया और उसने टीवी को ऑन किया तो वो टीवी ऑन नहीं हो रहा था, सॉफ्टवेयर स्टार्ट होते ही रुक जा रहा था और टीवी चालू नहीं हो रहा था। तो ऐसे में दोस्तों उसी बंदे ने एक रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट डाली और 7 दिन के अंदर मुझे अमेजोन से मेरा टीवी जो है वो रिप्लेस होकर के मिल गया, और वो टीवी अभी भी मेरे घर में लगा हुआ है, परफेक्ट कंडीशन में चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर उस टीवी को हो चुका है। ऑनलाइन के मामले में मुझे एक चीज ये अच्छी लगती है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपने मंगाया है और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो यहाँ पर 7 डेज के अंदर जो आपका प्रोडक्ट है वो रिप्लेस हो जाता है। और ऑफलाइन मार्केट में मैंने देखा है मेरे कुछ फ्रेंड जो है ऑफलाइन शॉप लेकर के बैठे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेल भी करते हैं, और मेरे काफी रिलेटिव्स जो कि ऑनलाइन नहीं लेना चाहते मैंने उनको प्रोडक्ट वहां से दिलवाई भी हैं।
लेकिन यहाँ पर मैंने ये चीज देखी है, आपने भी कभी नोटिस की होगी कि ऑफलाइन मार्केट में जब एक प्रोडक्ट मान लीजिए कि एक रेफ्रिजरेटर आपके घर पर डिलीवर हो चुका है, आपने खरीद लिया है और उसके बाद में उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो यहाँ पर आपको सर्विस मिलेगी, रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। मैक्सिमम ऑफलाइन शॉपकीपर है वो रिप्लेसमेंट कभी नहीं करते हैं, वो उस प्रोडक्ट को रिपेयर करते हैं। और दोस्तों जब आप एक नया प्रोडक्ट परचेस करते हैं और घर में आते ही उसको रिपेयरिंग की जरूरत पड़ जाए और रिपेयर करके आप उसे यूज करें, तो फिर दोस्तों वो नए वाली फीलिंग नहीं रहती है, आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है जो नया प्रोडक्ट परचेस करने का होता है। तो ये चीज ऑनलाइन के मार्केट में मुझे ज्यादा बेटर लगी कि आपका प्रॉपर रिप्लेसमेंट हो जाता है और एक नया चीज आपको मिल जाता है जिससे आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाते हैं और अच्छे तरीके से उसको यूज कर पाते हैं। इस मामले में दोस्तों ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी आप एक बड़ा होम अप्लायंसेस परचेस कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है चाहिए कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हैं उस ब्रांड का सर्विस सेंटर आपके एरिया में अवेलेबल है या नहीं, या आप विलेज में रहते हैं तो उस ब्रांड की सर्विस आपके गाँव तक आती है या नहीं। अगर आपके एरिया में उसकी सर्विस अवेलेबल है फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, लेकिन अगर आपके एरिया में उसका सर्विस सेंटर नहीं और ऐसी चीज परचेस कर रहे हैं और ऑफलाइन परचेस कर रहे हैं तो रिटेलर से इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, उससे बात कर लीजिएगा कि इसकी सर्विस हमें कैसे देखने को मिलेगी। अगर रिटेलर उसकी सर्विस देने का प्रॉमिस करता है फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो कहता है कि सर्विस आपको ब्रांड देगा और आपके एरिया में उसका सर्विस सेंटर नहीं है तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, ऐसे प्रोडक्ट की सर्विस लेने में आपको दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसा प्रोडक्ट हमेशा परचेस कीजिए जिसकी सर्विस आपको आपके आसपास के एरिया में मिल जाए। अगर आप होम अप्लायंसेस परचेस कर रहे हैं तो सैमसंग, एलजी, व्हर्लपूल जैसे रेपुटेड ब्रांड का परचेस कीजिए, इनकी सर्विस आपको इंडिया के रिमोट एरिया में भी काफी अच्छे तरीके से देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों एक और सवाल आपके मन में आता है कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट से हम ऐसे बड़े होम अप्लायंसेस परचेस करते हैं तो यहाँ पर इनकी डिलीवरी हमारे घर पे कैसे होती है। ऑनलाइन के मामले में अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ऑनलाइन में मैंने भी बड़े होम अप्लायंसेस परचेस किए हैं, रेफ्रिजरेटर और टीवी मैंने परचेस किया है। दोनों ही मामलों में एक पिकअप ट्रक मेरे घर पर आया है, उन बंदों ने वो जो प्रोडक्ट है वो उस गाड़ी में से उतार कर और मैंने जिस कमरे में जिस जगह रखने की कहा वहां पर उन्होंने वो प्रोडक्ट रखा है। रेफ्रिजरेटर के मामले में उन्होंने पूरा मुझे खोल करके अच्छी तरीके से अंदर बाहर से चेक करवाया है और रेफ्रिजरेटर की डिलीवरी का एक एक्सपीरियंस वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वीडियो आप देखिएगा। उसमें मैंने बताया कि बड़े होम अप्लायंसेस किस तरीके से डिलीवर होते हैं, किस तरीके से प्रॉपर आपको चेक करवाया जाता है, उसके बाद में आपके सेटिस्फाई होने के बाद में ही वो यहां पर प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। और टीवी के मामले में आपको डायरेक्ट वो बॉक्स ओपन करके चेक नहीं कराएंगे, यहां पर जो इंस्टॉलेशन टीम है वो आपके बॉक्स को ओपन करेगी और वो चेक करेगी और वो आपको बताएगी अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो फिर वही वहां पर रिप्लेसमेंट डालेंगे। और यहां पर दोस्तों ऑनलाइन के मामले में आपको ज्यादातर प्रोडक्ट के अंदर फ्री इंस्टॉलेशन देखने को मिलता है, जबकि ऑफलाइन मार्केट से आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो यहां पर आपको इंस्टॉलेशन का पैसा अलग से देना पड़ता है। दूसरी बात अगर डिलीवरी की करें, ऑनलाइन मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हैं ऑलमोस्ट आपको सभी में फ्री डिलीवरी देखने को मिलती है, और यहाँ पर ऑफलाइन मार्केट में हम बात करें तो आपके घर से अगर जो शॉप है जो आप जहाँ से आपने परचेस किया है वो 4 से 5 किलोमीटर दूर है तो उस प्रोडक्ट को या तो आपको अपने वाहन में घर तक लाना पड़ेगा या उसको घर तक लाने के लिए 400 से 500 रुपए आपको वापस से खर्चा करना पड़ेगा, किसी ऑटो रिक्शा या टेम्पो वाले को देना पड़ेगा और वो जो खर्चा है वो भी आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट में एड हो जाएगा। लेकिन ऑफलाइन मार्केट में भी कुछ शॉपकीपर ऐसे होते हैं जो कि आपको फ्री डिलीवरी देते हैं, तो आप प्रोडक्ट परचेस करने से पहले उन पर इस चीज के बारे में डिस्कस कर लीजिए कि प्रोडक्ट आपको हमारे घर तक फ्री डिलीवर करना पड़ेगा, तो ये चीज आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगी। उम्मीद है दोस्तों आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बारे में आपके और भी कोई सवाल हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।